मैकबुक में अपने पास ये मैकबुक एयर है जी, i5 प्रोसेसर है जी, इसके ऊपर मेरा खुद का दिल आ गया। मैंने सर को कहा कि ये मुझे दे दो, लेकिन सर ने, मैंने फिर कहा कि नहीं सर, एक काम करो, i7 रेटिना है, 16GB रैम जी, 256GB SSD जी, इसका कीबोर्ड देखो गाइस, i5 9th generation, वाओ, 8GB रैम जी, 256GB SSD, 1TB हार्ड डिस्क जी, और 4GB GTX ग्राफिक्स कार्ड है। वो हो ग्राफिक कार्ड्स भी अवेलेबल है सर। क्या प्राइस है इसका? ये कूल दिखता है, काफी बढ़िया दिखता है, और ऑल इन वन पीसी है, देख सकते हो, और कंडीशन भी आप देख सकते हो, इंडियन पीस नहीं है, एकदम नए जैसा आएगा यूएस। ये जो आप लोग बिजनेस देख रहे हो ना, जो हमारे सर हैं अंदर, वो पिछले 13 साल से लैपटॉप सेल कर रहे हैं, वो भी जेन्युइन कस्टमर उनके पास काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो भी एकदम चीपेस्ट प्राइस में आपको मिलने वाले। तो लैपटॉप और मैकबुक कितने रुपए से स्टार्ट होते हैं भाई, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और हमारे सर से बात कराता हूँ, आ जाओ। तो गाइस देखो यार, सेटअप कितना ही जोरदार है, और यहाँ पे हमारे साथ सर, सर आपका नाम है? राहुल भाई। तो राहुल सर हमारे साथ है। राहुल सर, मैंने सुना कि आप पिछले 13 साल से लैपटॉप सेल कर रहे हो, वो भी घर के अंदर से जी। तो सर ये बताओ कि मार्केट में जो रेट चलता है और अपना रेट, क्या डिफरेंस है अभी? एकदम रीजनेबल रेट में काम कर रहे हैं अपने जी, और पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं जी। डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर्स में अपना रिफर्बिश में काम है। रिफर्बिश में, ओके। तो सर ये बताइए कि अपने यहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर कितने रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं? कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है 4500 में, 4500। हाँ, 4500। और लैपटॉप? लैपटॉप 6999 से, 6999 में। और भाई मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ कि इनके यहाँ पे जो मैकबुक है वो भाई काफी सस्ते रेट में मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सर, कहाँ से स्टार्ट करोगे? मैकबुक चालू होता है खाली 9999, मैकबुक 9999 रुपए से जी। तो मैकबुक से स्टार्ट करें। हाँ मैम, तो आ जाओ गाइस। तो सर हमको मैकबुक दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ताकि आपको इतनी भी स्पेसिफिकेशन है सर आपको डिटेल में बताएंगे। सर स्टार्ट कीजिए आप। मैकबुक में अपने पास ये मैकबुक एयर है जी, i5 प्रोसेसर है जी, 4GB रैम, 128GB SSD जी। ठीक, तो गाइस आप लोग देखते जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लेके सीधा जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, सर को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेज दो। एयर है i5 जी, 8GB रैम, 128GB SSD जी। ये वाला कौन सा सर? ये मैकबुक i7 है जी, रेटिना डिस्प्ले जी, 16GB रैम जी, 256GB SSD। गाइस ये लैपटॉप की कंडीशन आप लोग देखो, एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। सर इसका रेट बताया आपने? ये 28,000 से स्टार्टिंग है, ये वाला 28,000 प्रोसेसर रेटिना, ये वाला रेटिना, और ये अपने 19,000 से, 19,000 रुपया। और ये वाला? वो भी 19,000 से, 19,000। और ये वाला? ये 15,000 में, 15,000 रुपया। तो गाइस अभी लोवेस्ट प्राइस है, लोवेस्ट प्राइस में कोई नहीं दे पाएगा जी, 15,000। इसके ऊपर मेरा खुद का दिल आ गया, मैंने सर को कहा कि ये मुझे दे दो, लेकिन सर ने, मैंने फिर कहा कि नहीं सर, एक काम करो, i7 रेटिना है, 16GB रैम जी, 256GB SSD जी। ये मार्केट प्राइस है जी रिफर्बिश का जी 35,000। ये अभी ऑफर में आपको दे दूंगा 32,999 में, मतलब 33 में आपको गाइस मिलने वाला है ये, और काफी जबरदस्त ऑफर है। फिलहाल तो अभी कोई नहीं देगा आपको पूरे अहमदाबाद या पूरे गुजरात में ऐसा लैपटॉप ये कंडीशन के अंदर, ये प्राइस में, तो फिलहाल कोई नहीं देने वाला। सर इससे सस्ता वाला बता दो। इस एंट्री लेवल में है मैकबुक जी, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, काफी अच्छे अच्छे है और काफी ओल्ड इनके पास भी लैपटॉप है, वो भी एकदम फ्रेश कंडीशन में, 9999 में ये वाला, और हाँ विथ SSD। क्या बात है, विथ SSD दूंगा। वाह गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे और भी सर के पास रखे हुए। तो सर आप ये करते हो क्या कि लैपटॉप एक्सचेंज करते हो क्या? एक्सचेंज भी करते हो? एक्सचेंज करते हो, मतलब ओल्ड लैपटॉप देके अगर किसी को दूसरा लेना है तो एक्सचेंज भी करते हो, और रिपेयरिंग भी करते हो क्या लैपटॉप का? रिपेयरिंग। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत लोग ढूंढते हैं कि उनका लैपटॉप सस्ते प्राइस में रिपेयर हो जाए, तो यहाँ पे हमारे जो सर हैं, सर रीजनेबल प्राइस में हो जाता है, कर देते हैं। तो लैपटॉप अगर आपको रिपेयर करवाना हो तो यहाँ पे आ सकते हो, एक्सचेंज करवाना हो तो भी आ सकते हो। सही है सर? सही। उसके बाद कौन सा लैपटॉप दिखाएंगे सर? उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा गेमिंग में। गेमिंग में? वाओ भाई आ जाओ, गेमिंग लैपटॉप देख लो आप लोग। ये HP Pavilion है। वाओ, इसका कीबोर्ड देखो गाइस, i5 9th generation। वाओ, 8GB रैम जी, 256GB SSD, 1TB हार्ड डिस्क जी, और 4GB GTX ग्राफिक्स कार्ड है। वो हो ग्राफिक कार्ड्स भी अवेलेबल है सर। क्या प्राइस है इसका? ये ओनली 35,000 में मैं दूंगा आपको। 35,000 न्यू कितने का था? ये 75,000, 75,000 का न्यू है। और मार्केट में कितना चल रहा है? मार्केट में चल रहा है अराउंड 40 चल रहा है इसका। हाँ, सेकंड का 40,000 चल रहा है। ये मैं आपको दे दूंगा 35,000 में। भाई क्या बोलते हो कैमरा मैन, ले लिया जाए क्या? भाई काफी जबरदस्त है,
उसका डिस्प्ले वगैरह देखो काफ़ी मस्त लग रहा है, और कंडीशन देखो यार एकदम न्यू है, न्यू कंडीशन है गाइस, एकदम न्यू कंडीशन। तो गाइस ले सकते हो आप लोग यार, काफ़ी बढ़िया ऑफर आपको मिले। सर नेक्स्ट क्या दिखाएंगे आप? नेक्स्ट दिखाऊंगा मैं आपको HP का वर्क स्टेशन लैपटॉप है। ओके ये नए का प्राइस है अप टू वन लैख अराउंड वन लैख जी। ये आपको मैं दे दूंगा 22,000 में ओनली, 22,000 रुपये में, 22,000 में। इसके अंदर क्या क्या है सर? ये i5 6 जनरेशन प्रोसेसर है जी, 8GB रैम जी, 256GB SSD जी, और 2GB क्वाड्रो ग्राफिक्स है। क्या बात है, क्वाड्रो जो वर्क स्टेशन सीरीज में ही आता है। अच्छा हाँ भाई, 22,000 में क्या ही ले लोगे आप लोग? तो 22,000 रुपये इनफ है आप लोगों के लिए, अगर लेना चाहो तो ऑफिस वर्क के लिए, गेमिंग के लिए भी, कोई भी गेमिंग, कोई भी ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, माया, ऑटो कैड, सारे चल जाएंगे इसमें भाई साहब, स्मूथली चलेंगे। क्या बात है भाई, ये लो यार एक नंबर, 22,000 का पहली बार मैंने सुना, काफी सस्ता है। सर नेक्स्ट क्या दिखाएंगे आप? फिर मैं आपको डेल में 360 2-in-1 लैपटॉप बताऊंगा। अच्छा मैंने समझा ये टैबलेट है सर? नहीं टैबलेट नहीं, 360 रोटेड है, i7 8 जनरेशन प्रोसेसर है ये। ओहो हो, और क्या क्या सर इसके अंदर? i7 8 जनरेशन, 16GB रैम जी, 256GB SSD, टच स्क्रीन है। हाँ कितने में दे देंगे सर ये? ओनली 29,999 में। क्या बात है भाई, काफी बढ़िया, कॉम्पैक्ट है, आप लोग अपने बैकपैक में भी रख के ले जा सकते हो। सर नेक्स्ट क्या दिखाएंगे आप? नेक्स्ट मैं आप दिखाऊंगा आपको, ये वाला देखो, i5 7 जनरेशन रिफर्बिश इंपोर्ट लैपटॉप है। वाओ, US कनाडा इंपोर्ट। क्या बात है, क्या क्या सर इसके अंदर? i5 7 जनरेशन 8GB रैम जी, 256GB SSD जी। कितने में दे देंगे? ओनली 19,999 रुपए में। सारे सेम लैपटॉप है। ये वाला देखो, ये क्या है सर? सेम कॉन्फ़िगरेशन, i5 7 जनरेशन, सेम प्राइस। हाँ सेम प्राइस, भाई ले सकते हो ये भी। नेक्स्ट क्या दिखाएंगे सर? नेक्स्ट फिर मैं आपको iMac में दिखाऊंगा। ओके तो iMac में आ जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे iMac नीचे देखो कितने सारे रखे हुए हैं। तो सर iMac स्टार्ट कीजिए, आप बता दीजिए। स्टार्टिंग रेंज है उसका 13,999 iMac कौन सा वाला है बताएंगे सर? ये लो भाई 13,999 में। अगर आप लोग ऑफिस वगैरह चालू कर रहे हो तो ऑफिस के अंदर रखो, काफी कूल दिखता है, काफी बढ़िया दिखता है, और ऑल इन वन पीसी है देख सकते हो, और कंडीशन भी आप देख सकते हो, इंडियन पीस नहीं है, एकदम नए जैसा आएगा, US कनाडा जो इंपोर्ट पीस होते हैं। वाओ, और कौन सा सर? ये 22 इंच स्क्रीन में जी, और ये 24 इंच स्क्रीन वाला देखो गाइस, बड़ा है, काफी फ्रेश कंडीशन है, एक नंबर। ये मैं आपको दे दूंगा खाली 16,999 में, 16,000 रुपए में, 17,000 रुपए में, 17,000 में आई में With SSD और 8GB RAM। लो भाई 17,000 रुपए में आपको मिल रहा है, वो भी इतनी बड़ी स्क्रीन। तो भाई फटाफट स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल लगा लो हमारे सर को, या फिर आप लोग डायरेक्ट इनके लोकेशन पे ही आ जाओ। कॉन्टेक्ट करोगे ना तो लोकेशन सर खुद ही शेयर कर देंगे आपको व्हाट्सएप पे, बहुत ही जेन्यून, मतलब हर चीज़ में आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे। और अगर फ्यूचर में अगर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आता है भाई रिपेयर भी करके देते हैं। सर नेक्स्ट क्या दिखाएंगे? इससे और मेरे पास आसूस में i5 10 जनरेशन, वाओ एकदम न्यू कंडीशन, ब्रांड न्यू कंडीशन में। वाओ सर क्या चीज़ है ये? i5 10 जनरेशन है, 8GB रैम, 256GB SSD जी। ये करीबन मार्केट में आपको 35 से नीचे मिलेगा नहीं, सेकंड में। हाँ नया कितने का आता है? नया आता है कोई भी 10 जनरेशन आप लैपटॉप ले लो। हाँ। मिनिमम एंट्री प्राइस है 50,000 नए का, 50,000 नए का, और ये आप सेकंड में 35 तक मिल रहा है, 35 मार्केट में बिक रहा है। हाँ। मैं 29,000 में आपको ये पीस दे दूंगा। लो भाई 6,000 रुपए कम में दे दे रहे हैं भाई, क्या मतलब आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं सर? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रेंज में काम कर रहे हैं जी, 10 से 13 साल मेरे को हो गए इसे। जी यहाँ से ही मैं काम करता हूँ, नॉलेज काफी ज्यादा है सर को। सर एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मैं गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है मुझे, अगर किसी को गेमिंग पीसी अब बिल्डअप करवाना हो तो क्या आपके पास ऑप्शन है? CPU अपने रिफर्बिश में स्टार्टिंग रेंज 15,000 से मैं गेमिंग CPU एंट्री लेवल में आपको दूंगा। गेमिंग पीसी, गेमिंग लोकली, ओनली पीसी नहीं, ओनली CPU में आपको 15,000 से स्टार्टिंग। लोग तो 1,00,000 रुपए के नीचे बात नहीं करते सर, अगर कोई गलती से आपको 1,00,000 रुपए दे दिया गेमिंग पीसी के लिए तो क्या बना दोगे आप? 1,00,000 में तो आपसे हाई एंड बना दूंगा, हाई एंड CPU आपको, कोई भी गेम, कोई भी ऑटो कैड, कोई भी सॉफ्टवेयर चलेगा भाई। क्यों पता है? 13 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, है रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग, कोई भी चलेगा। क्या बात है सर, नेक्स्ट क्या दिखाएंगे आप? नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो बेसिक एंट्री लेवल i3 लैपटॉप है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। जी सर, आपने सस्ते प्राइस कितना बताया? हाँ, था लैपटॉप के अंदर i3 में मेरे पास है 9,000 से स्टार्टिंग रेंज है i3 लैपटॉप भाई। ये आ गया, क्या चीज है सर ये?
i3 प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क है, 9000 में ओनली, 9000 रुपए में, 9000। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिखाएंगे सर? भाई आप लोग लैपटॉप देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, सर उससे आगे अपने जाएंगे एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप में, शायद दिखा दिया क्या सर हमने? i5। अच्छा, नीचे के बाकी है क्या? हाँ, वो थोड़ा अपग्रेड वर्जन था जी, ये आपको मैं दे दूंगा 13,500 में i5 जी, i5 लैपटॉप गेमिंग जी विथ रेडियन ग्राफिक्स कार्ड। ओह, 13,500 जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड आ जाता है ना, उसके अंदर आप लोग को गेम खेलने में और मजा आ जाती है, तो काफी बड़ा डॉल्बी साउंड है इसके अंदर, डॉल्बी साउंड है, i5 प्रोसेसर है। वाओ। ओके सर, नेक्स्ट क्या दिखेंगे सर? ये तो लैपटॉप और iMac मैकबुक हो गया सर, सीपीयू पीसी के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? पीसी अपने को अपने वहाँ स्टार्टिंग रेंज है 4,500 से, 4,500 से, 4,500 दिखाएंगे सर क्या? 4,500 में ये एलसीडी आ जाएगी एक जी, लो भाई ये एलसीडी, और क्या आएगा सर? और सीपीयू, साथ में सीपीयू, साथ में सीपीयू आएगा उसका, जो ब्रांडेड सीपीयू है अपने, यहाँ पे देखो सारे सीपीयू रखो, कितने में सर बोला आपने? 4,500 से स्टार्टिंग रेंज, 4,500 में सीपीयू मॉनिटर और कुछ आएगा इसके साथ? कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस आ जाएगा। तो भाई 4,500 रुपए में आपको फुल सेटअप मिल रहा है स्टार्टिंग, तो हैवी और है क्या आपके पास? और हैवी में जाएंगे तो अपने डेल की एलईडी 19 इंच विथ i5 प्रोसेसर में आपको दे दूं ओनली 10,000 में, तो दिखा दो सर, चलो लो यार 10,000 रुपए में भी काफी मायने, डेल के साथ, डेल सीपीयू के साथ डेल एलईडी स्क्रीन आएगा, लो भाई फुल सेटअप, ठीक है 10,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। और सर ये एसेसरीज भी शायद आपके पास दिख रही है सर? हाँ, एसेसरीज में भी काम है अपना, लेकिन ज्यादातर रिफर्बिश लैपटॉप डेस्कटॉप में, और लिनोवो के साथ लिनोवो की स्क्रीन आएगी 19 इंच एलईडी, कितने में? 10,000 में ओनली, 10,000 में, मतलब डेल का लेना हो या लिनोवो का लेना हो अपने हिसाब से ले सकते हैं, और सारी चीज क्वांटिटी में अवेलेबल है जितनी चाहिए आपको, मतलब बिजनेस अगर किसी को करना हो बल्क में आपके साथ, बल्क में भी मिल जाए, तो आप बल्क में प्रोवाइड करोगे, बिजनेस भी कर सकता है? हाँ कर सकते, लो भाई तो आपको बिजनेस करना है लैपटॉप का, बल्क में अपना डिस्काउंट और भी रहेगा उसमें, लो भाई और डिस्काउंट हो जाएगा और प्राइस कम हो जाएगी। ये जो आपको प्राइस बताई सिंगल सिंगल रिटेल वाली प्राइस बताई गई सर, ये आपका ये न्यू क्या रखा हुआ है सीपीयू? हाँ, वो न्यू i3 पीसी अपने पास है एंट्री लेवल में 7,000 में ओनली, i3 कंप्यूटर पूरा, ये कंडीशन आपको मैं दिखाता हूँ, लो न्यू है सारे के सारे, ब्रांड न्यू कंडीशन आएगी इसमें, यहाँ पे देखो आ जाओ, मैं तो कहता हूँ भाई दुकान या शोरूम मैटर नहीं करता सर, मैटर करता है एक्सपीरियंस, आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना, 13 साल का एक्सपीरियंस, आप इनको पैसा देगा भाई कुछ भी बनवा सकते, ये पूरा सेट में i3 आपको दे दूंगे 6,999 में, 6,999 रुपए में मिल जाएगा अगर आपको पूरा सेट i3, अगर और i5 चाहिए तो आपको 7,000 में, 7,000 तो सर अगर किसी को डिस्प्ले चेंज करवाना हो तो भी ऊपर के पैसे देके करवा सकते हैं, 19 इंच में मिल जाएगी, 22, 24 जो भी साइज आपको रेड स्टॉक में अवेलेबल है। वाओ, तो गाइस एक काम करो सर, आपका कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट है? इंस्टाग्राम है, तो सर के इंस्टाग्राम पे आप डेली अपडेट डालते हो? हाँ, तो मैंने सर को फॉलो कर रखा है, आप लोग जाके इनके इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर लो, ताकि जो फोटोज वगैरह आएंगे आपको वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी कि सर के पास नया क्या है, और भाई बहुत सारे ओल्ड भी रखे हुए हैं, तो वीडियो सर काफ़ी लॉन्ग बन चुकी है। अगर आप लोगों को सर की और अपडेट चाहिए, सर के पास ऐसी ऐसी चीज़ है, अगर आप लोग देखोगे तो सोचोगे कि सर सेजू भाई एक और वीडियो बनाओ तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो उसके लिए कमेंट करना ज़रूरी है, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी गेमिंग या स्टडी के लिए चाहिए हो, लैपटॉप या मैकबुक या कुछ भी, या ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, तो सर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, एड्रेस मैंने स्क्रीन पे चला रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, वहाँ पे आपको लाइव लोकेशन तक भी मिल जाएगी, तो चेक कर लो। सर कुछ बोलना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को? बस जो भी iMac है, ऑल इन वन है, डेस्कटॉप लैपटॉप सभी मैंने यहाँ रेडी स्टॉक में है जी, और बल्क में भी अपने पास अवेलेबल, जितनी क्वांटिटी चाहिए जितनी भी अवेलेबल। तो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, सर एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी थे, तो मैंने ढूंढ के लाया सर को कि सर हमारे व्यूवर्स को ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो सस्ते से सस्ता गेमिंग पीसी बना सके या सस्ते से सस्ता लैपटॉप दे सके। बहुत सारी लैपटॉप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो आज की हम लोग एंड करेंगे, फटाफट वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और सर से कॉन्टेक्ट कर लो अगर आप लोग को एडिटिंग या ऑटो कैड चलाना हो, या आपको फोटोशॉप चलाना हो, या गेमिंग करना हो, तो भाई लो भाई एकदम सस्ते में आप लोगों के लिए मैंने लेके आ गया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।